कल घर वालों ने आके मेरे से पूछा कि अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे। मैंने हंस के जवाब दिया, या मैं तो आपके भरोसे बैठा था, जाती तो ना है। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिल। हाय, आज तुम्हारा पहला दिन है क्या? मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, और तुम? दत्त पगली, मैं तो अपने बेटे का एडमिशन कराने आया हूँ। संतूर से सिर्फ मम्मियाँ ही नहीं नहाती, कभी कभी पापा भी नहा लेते हैं। पहले मुझे शर्ट भी धोनी नहीं आती थी, फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि तो शादी क्यों नहीं कर लेता। अब मैं शर्ट के साथ साथ प्लाजो, लहंगा, साड़ी सब धो लेता हूँ। मगर अब तुम्हारी जैसे लड़कियों से तो फ्लर्ट नहीं कर सकता ना, तो इनसे ही काम चलाना पड़ता है। मेरी जैसी लड़की मतलब? तुम्हारे जैसे लड़की फ्लर्टिंग लेनी इश्क ले बनी है, और इश्क मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नंबर जो इतने अच्छे लाने लगे हो, लगता है पर्चियां तुम चलाने लगे हो। नकल तो की थी हम दोनों ने मिलके, अकेले तुम ही क्यों टॉप आ। कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने गुस्से में दरवाजा ही नहीं खोला। पूरी रात मुझे सड़क पे बितानी पड़ी। फिर सुबह बीवी ने दरवाजा खोला या नहीं खोला? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तब याद आया, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई और चाबी भी जेब में ही पड़ी थी। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हो मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके से पैलंग बताओ। किससे बात कर रहे थे? गर्लफ्रेंड से। उसी से ना जिसे एक साल पहले बताया था? हाँ उसी से। अब उसको छोड़ दो और दूसरी बता लो। क्यों? क्योंकि दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आए तो टीबी बन जाती है, और समय पर गर्लफ्रेंड ना बदलो तो बीवी बन जाती है। संभाल यार खुद को, अब जो होना था क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बता, डेड बॉडी आ गई? नहीं यार। डेड बॉडी आ गई, उतार लो। देख कितनी लंबी उम्र है, नाम लेती आ गई। मम्मी मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे को। अरे वाह, आज फाइनली बाबू सोना जादू टोना के बाद माँ की याद आ गई तेरे को। अरे मम्मी लेकिन नहीं, अपने अपने मोबाइल में ढूंढना, लिख गूगल पे, लिख वेयर आर माय सॉक्स, मिल जाएगा। मम्मी मेरी गूगल मैप में सॉक्स का लोकेशन डालना। अरे खाने को दे रहे। आज मेरे पास इतने पैसा है कि मैं चुटकियों में एक पार्ले जी खरीद सकता हूँ। यही बताने के लिए आया था, अब जा रहा हूँ।